हेलो दोस्तों, मैं रुपेश शाहू एक्सीलेंस एकेडमी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है, मतलब जो विद्युत तापन है, वो क्या है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, विद्युत तापन एक प्रोसेस है। क्या है? जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको हीट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो वेरियस टाइप के इफेक्ट को शो करती है, एज अ जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है। तो उसमें से एक इफेक्ट जो होता है वो है हीटिंग इफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसको हम क्या करेंगे, उसको हीट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है वो है इलेक्ट्रिक हीटिंग। वैद्युत में उपस्थित तापन गुणों के कारण इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक तापन कार्यों में किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें जो है हीटिंग प्रॉपर्टी होती है, इसके कारण इसका जो यूज होता है वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, पानी को गर्म करना, खाना बनाना, भवनों को उष्मित करना। भवनों को उष्मित करना मतलब जो बिल्डिंग्स होती है उनको गर्म करना, ठीक है। धातुओं को पिघलाना मतलब जो हमारी मेटल्स होती है उनको मेल्ट करना, कठोरीकरण, अनिलीकरण, ठीक है ना। और यहाँ पे ताप उपचार करना और शुष्कीकरण करना वेल्डन और आदि कार्यों को किया जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग ये जो वैद्युत तापन है आप समझ गए होंगे। तो वैद्युत तापन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें वेरियस टाइप के इफेक्ट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलना चाहिए, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट होता है और हीटिंग इफेक्ट होता है। तो इसके कारण हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो विद्युत धारा होती है उसको हम लोग ऊष्मीय प्रभाव के कारण उसका हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।